जय माता जी, राम राम, सीता राम। आज हमारे सुबह 7 बजे से बारिश स्टार्ट हुआ है। बहुत बारिश हो रही है, बीच में रुक गई थी 1-2 घंटा, लेकिन ये सुबह से बारिश हो रही है। सब खेत में भी पानी जा रहा है, अभी भी चालू है। कभी रुक जाती है और 2-2, 3-3 घंटा आती है। ये सुबह सुबह ही चालू हुई है, खेत में पानी जा रहा है। अभी सिंग निकल रही है बाहर, तो बहुत जगह पे बारिश नहीं है, तो वहाँ इसको जाना चाहिए। हमारे ही बारिश की तो ज़रूरत है, अभी नहीं है। ये महीना तक हमारे बारिश नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत जगह पे बारिश कम भी है और ज़्यादा है ही नहीं। हमारे इधर ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ उसको जाना चाहिए। तो हर किसान को और हर मालधारी को ज़रूरत है बारिश की। ये हमारा तूफान है, ये 1 महीना 5-6 दिन का हो गया है। इसको ये 3 लीटर गाय का दूध है, घाघरेज और गिर दोनों को मिलता है। ये 3 लीटर है तो पूरा नहीं पिएगा, छोड़ देगा, क्योंकि हमेशा उसको 4 टाइम 3-3 लीटर देते हैं, पर 3 तो नहीं पी सकते। 2 लीटर 2.5 लीटर 2 लीटर से कम इतना ही पीते हैं। तो पहले हमने स्टार्ट किया था 50 ग्राम से, 14 दिन का था तब से। तो आप भी देख सकता है, ये दूध छोड़ के चला गया है, पकड़ के पिलाते हैं। ये हमारे राजू भाई ट्रेनर है, घोड़ा का काम करने वाला। उसको पकड़ के ही पिलाते हैं कि जितना ज़्यादा पिए वो बढ़िया है, तो इतना ही पिएगा, 2-2.5 लीटर के आसपास। आप भी सब देख सकते हैं इसको, ये 4th महीना की 27 तारीख का जन्म हुआ था। ये 5वां महीना की 27 में 1 महीना हुआ और आज 3 तारीख है कि 2 होगी, हमारे को तो पूरा पता नहीं है। 1 महीना और 5-6 दिन का हुआ है और पूरा दिन में 8-9 लीटर 10 लीटर के आसपास उसको हम पिला देते हैं, तब ये सांड घोड़ा बनेगा। इसको सांड घोड़ा बनाना है घोड़ा को, तो ये इतना ही दूध पिलाना है पड़ेगा। ये आपको गाय का ही दूध चाहिए, मैं तो बोलता हूँ देखो, तो भी उसकी माँ के पास चला जाता है। अब ये थोड़ी मस्ती भी करेगा, उसकी माँ को पानी पीने के लिए छोड़ दिया है। देखो ये इतनी कभी कभी मस्ती करता है, बहुत मस्ती करता है। हमारे को कभी कभी तो डर लगता है कि इसको लग जाए। ये हमारा डॉन आया तो डॉन को देख रहा है, है तो बड़ा रूम,
लेकिन तो भी ये इसमें कहाँ, ये गमान है, ठाण भी बोलते हैं, उसमें भी लग जाती है उसको स्वर। कि बड़ा हो जाएगा तब तो तूफान तो करेगा ही, क्योंकि घोड़ा। लेकिन ये दूध मिलता है ना गिर गाय और काकरेज का, इसलिए ये बड़ा हटा कटा होने वाला है। और पहले बीच में थोड़ा कमज़ोर हुआ था, जब उसका जन्म हुआ था तब ये हमारा महादेव बच्चा है, उनसे भी ये बढ़िया उसकी हाइट थी और पैर वैर सब बढ़िया था। लेकिन ये बीच में उसकी माँ में दूध ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा पिलाती भी नहीं है, 2-3 मिनट पिलाती है, उसके बाद हम खड़ा रहेगा तभी पिला नहीं देती है। लेकिन 2-3 मिनट तो अकेला भी पी सकता है, लेकिन 2-3 मिनट बाद ये दूर कर देती है, अभी तो ज़्यादा परेशान नहीं करती। देखो इसका कान बहुत बढ़िया है, जैसे ये दिल का एका होता है ऐसा ही कान रखते है ये। और गर्दन भी ऐसे रखता है और चलता है तब भी ऐसे ही है। जैसे मोर गर्दन रखते हैं ऐसे ही रखते हैं, ये टूटीन लगते हैं बहुत बढ़िया। उसका पैर भी बहुत बढ़िया है, चारों पैर आपको एक जैसा ही लगेगा सफेद, क्योंकि उसका पिताजी है कन्हैया, कन्हैया का ही ऐसा ही पैर है, सब चारों पैर कन्हैया का भी ऐसा है। और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया देते हैं कन्हैया। अब तो हमारी साइड भी मारवाड़ी घोड़ी बहुत हो गई है, पहले कम थी, अब तो इधर बाहर का लोग भी बहुत आते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि जैसा हमारे साइड में मिलता है बच्चा और बच्ची, घोड़ा होगा ये, गाय होगी, गिर होगी, काकरेज होगी, ऐसा दूसरी जगह पे नहीं मिलता। इसमें ये फैन भी चलता है 24 घंटा उसको। और ये सामने हमारा काम भी चालू है, ये अंदर अंदर साइड में प्लास्टर हो गया है, सब रूम में हो गया है। लेकिन ये अभी जो ठाण है उसमें प्लास्टर बाकी है, लादी भी बाकी है, उसमें टाइम लगेगा। ये सब रूम में 6 रूम है, उसमें अंदर अंदर तो हो गया है, ये 15x15 का अंदर की साइज है, बाहर का ले सब लेंगे तो 19 के आसपास हो जाता है। ये भी 15x15 का है अंदर साइज में। ये 15x15 सांड घोड़ा होगा तो उसके लिए सही है, और बच्चे वाली घोड़ी होगी साथ में, किसी ने ठाण दिया होगा तो ये 15x15 की साइज बढ़िया रहेगी। लेकिन आपके पास और भी जगह है तो बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि अकेली घोड़ी रखना है तो 10-15 भी चलेगा और 10x10 का भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा ही रूम चाहिए, लेकिन बच्चा वाली घोड़ी होगी, कहाँ नर घोड़ा होगा तो उसको थोड़ा बड़ा रूम चाहिए। यह हमारा 15x1 साइड लंबाई इसकी 15 है, दूसरी साइड 10 फुट है, तो इतना ही एक घोड़ी के लिए तो सही है। ये 10 इसकी चौड़ाई है और 15 फुट उसकी लंबाई है, ये 6 रूम है, 6 ठीक।
60 रूम है, उसमें ये चार रूम है वो 15x10 का है, और 10x10 का भी आप बना सकते हैं, ऐसे नहीं, और जगह होगी तो 20x20 का भी बना सकते हैं, बड़ा होगा तो 15x15 का भी बना सकते हैं। नर घोड़ा को और बच्चे वाली घोड़ी को चाहिए, ये सामने वाला तो तैयार होगा है, सब में घोड़ी है, एक में एक बच्चेरा भी है महाकाल, और ये बहुत बड़ा रूम है, इसकी 15 फुट लंबाई है और 22 फुट इसकी चौड़ाई है, सबसे बड़ा ये रूम है। इसमें ये हमारी अंजलि घोड़ी रखी है, ये भी पंच कल्याण है, और देवमणि है, बेड़ा सेठ की तीर्थ भमरी है, इसमें इसमें थोड़ी गोड़ाई आती है, लेकिन ये है 22 फुट के आसपास का रूम, 22 और 15, क्योंकि ये सुबर भी है, कन्हैया से ही सुबर है, उसका 9 महीना पूरा हुआ है, 10वां चल रहा है, ये हमारे हिसाब से बारिश बंद हो जाएगी तब दीपावली के आसपास बसा देने वाली है, ये तब बढ़िया रहता है, क्योंकि ये सर्दी में बच्चा आता है ना, तो ये मच्छर माखी काटने वाला भी कम रहता है। लेकिन घोड़ी होगी, गाय होगी, खीर होगी, एक आकरे उसको थोड़ा सादा आप खिलाएगा ना, बहुत हटी कटी हो जाएगी ना, तो प्रॉब्लम बहुत खड़ा करेगी। अभी भी एक मित्र का फोन आया था कि राम भाई हमारी घोड़ी मान नहीं रही है, मैं बोला ये घोड़ी को आप यार बहुत खाना पीना खिलाया है, वही प्रॉब्लम है, वो मान नहीं रही है, दो दो तीन तीन चार चार बार घोड़ा बताना पड़ता है तो भी मान नहीं रही है, क्योंकि कहाँ मानेगी नहीं, बहुत हट्टी कट्टी होगी तो, और कहाँ मानेगी तो उसको तकलीफ होगी बच्चा देने में। जय माता जी।